तो ये वो शो है जहां पे तमीज की बात की जा रही है और खुद शो जो है वो गुटखा बेच रहा है इलायची के नाम पे। ये वो शो है जिसमें होस्ट खुद इसी शो के अंदर में किसी और को बोलता है तू बाहर मिल, तुझे कुत्ता बनाया नहीं तो बता देना। ये वही होस्ट है और वही शो है जिसमें खुद होस्ट ने इसी रियलिटी शो में किसी कंटेस्टेंट को कहा था कि आऊ क्या अपनी पे, बताऊ तुझे, बाहर निकल साले, तुझे कुत्ता ना बनाया तू। भाई ये वही शो है, याद दिलाओ, आई थिंक याद दिलाने की जरूरत है। सो कुछ ऐसा सलमान भाई खुद कह चुके हैं और इस बार जो है वीकेंड के वार में पूरे तरह से लपेट डाला भाई एलविश यादव को। आखिर क्यों? उसके पीछे का रीजन एक ही था, क्योंकि एलविश भाई साहब ने किसी लड़की को गाली दिया, उसमें से एक जिया थी एक पूजा भट्ट थी, और उसने कुछ ऐसा कह दिया कि ऐसे लोगों को मेरे से हिम्मत हो तो लड़के बताए, बाहर में ऐसे लोगों की तो फाड़ के रख देता हूँ। अब क्या फाड़ के रख देता हूँ बताने की जरूरत नहीं है। अब इन सारी चीजों के ऊपर में ले एकदम क्लास जो शुरू किया, बेबिका को हल्का सा भपकी दिया, भपकी देने के बाद में सीधा एलविश यादव को लपेट लिया। उस लपेटने से पहले इन लोगों को पता चल चुका था किस चीज के ऊपर में भाषण मिलने वाली है, लेक्चर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो उसी चीज के लिए प्रिपेयर करके छोड़ा अभिषेक ने। अभिषेक तक को लपेट लिया फुकरा इंसान को कि तुमने उसी बारे में बात की थी ना, अभी मुद्दे पे आकर के बताओ क्या बात हो रही थी, रिपीट करो, अभी रिपीट करके बताओ, वो कितना सुनने में गंदा लगता है। इन सारी चीजों पे बात हो रही थी। मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो कि घर के बाहर में जाके गाली ना दे रहा होगा या फिर धमकी नहीं दे रहा होगा, और कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिनको ये नहीं पता है कि उसका बेटा बाहर सिगरेट भी पी रहा होगा, उसका बेटा बाहर में जाके धमकी या फिर गाली भी दे रहा होगा, और इन सारी चीजों का भाई कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तुम किस नजरिए से लड़कियों को देखते हो, लड़कियों के बारे में ऐसा बोल रहे हो, मतलब तुम्हारी सोच क्या है? और ये तो भाई बहुत ओवर हो गया था कि जिया कह रही है कि मुझे बाहर सेफ नहीं फील होगा, मुझे अभी इस जगह पे इसके साथ सेफ फील नहीं हो रहा है, ये बाहर में कैसे इंसान होगा। That's true कि एलविश यादव बाहरी दुनिया में क्या है वो अभी तक जाने नहीं हो, अगर जाने होते तो भाई मुंह लगे नहीं होते। और इस भाई साहब ने जो कहा था ना ये मेरा लोएस्ट है, exactly ये उसका लोएस्ट है बॉस, समझो इस बात को। अब भाई बिग बॉस के क्रिएटर exactly कर क्या रहे हैं? यूट्यूबर लोगों को भाई बुला तो लिया है, इनके वजह से टीआरपी हाई भी हो गई है, इंगेजमेंट एकदम दबा करके जियो सिनेमा, एंडोमॉल और बिग बॉस की जो शो है उसको मिल भी रही है। एक और हकीकत बता देता हूँ, खतरों के खिलाड़ी की टीआरपी चेक कर लेना, उसका वॉच टाइम चेक कर लेना और बिग बॉस का देख लेना, इसके पीछे का रीजन सबको समझ में आ चुका है क्या है। लेकिन एलविश यादव को ही टारगेट क्यों किया? मुझे एक और चीज नहीं समझ में आ रहा था कि एलविश यादव को कहा गया कि तुम्हारे पास में ये जो नंबर्स का गेम चल रहा है या जो फॉलोअर्स है एग्जैक्टली वो क्या है और तुम इसके ऊपर में क्यों जा रहे हो? ये जितने भी तुम्हारे लॉयल फैन बन रहे, आर्मी बन रहे ना, उनको बोलो कि 500 रुपए दे करके तुम्हें सब्सक्राइब करे, फिर देखता हूं कितने लोग आते। भाई इस जगह पे जो है ना सलमान खान ने खुद को नंगा कर दिया है, एकदम टॉप लेवल पे नंगा किया है। भाई साहब की रिसेंटली फिल्म आई थी जिसका टिकट प्राइस हार्डली 160 रुपए था, 160 रुपए, और जिसको बॉक्स ऑफिस किंग माना जाता था आज तक। कहा जाता है कि हर किसी की फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे पिट सकती है बट नॉट द सलमान खान। भाई कहां गए सलमान खान के वो लॉयल फैन जिन्होंने कम से कम यार 400-500 करोड़ का बिजनेस तो देना ही चाहिए था ना? ये वही खान है जिन्होंने पठान में जाकर के फिल्म का बिजनेस 1000 करोड़ दिलवाया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैमियो। समझ पा रहे हो आप इस बात को? और ये इंसान कह रहा है एलविश यादव को कि तुम 500 रुपए रखो और फिर देखो कितने लोग लॉयल फैन होकर के तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आते हैं। एंड द सीनियर सिटीजन ऑफ बिग बॉस, भाई ये जो पूजा भट्ट है इसका कहना होता है कि मेरी बहन के कितने फॉलोवर्स है, उसको कितने दिन भर में बोलते रहना चाहिए कि मेरे इतने फॉलोवर्स है, इतने फैंस है, उसको तो बोलते रहना चाहिए। पूजा मैम एक कहावत अब तो सच हो गई है कि वो बुजुर्ग जो होते हैं और जो नए जनरेशन होते हैं उनके बीच में कभी तालमेल ढंग से नहीं बैठ सकता, उसके बहुत बड़े उदाहरण आप खुद हो, क्योंकि आप कहां से कहां मैच कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है जो चीज आप बोल रहे हो क्या वो आपके कान में भी जा रहा है? मतलब आलिया भट्ट, देखो आलिया भट्ट जो है ना आधे इंडिया की क्रश है, लोग उस पर मरते हैं जैसे उसको देखा था ना, और अगर किसी को पता चले उसका अकाउंट आया ऑब्वियसली सब उसको फॉलो करेंगे। द सेकेंड रीजन, वो बॉलीवुड में है, वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और पहली बात भट्ट कैंप से है, तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लोग उसको फॉलो क्यों करते, बिकॉज ऑफ अ स्टार उसको फॉलो करना बनता है, सभी करते हैं, और एक लड़की है तो और भी ज्यादा, अगर खूबसूरत और लड़की है तो भाई डेफिनेटली उसको लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आप ये चीज भूल जा रहे हो कि आपके सामने में जो दो इंसान बैठे हुए हैं या उसके अलावा एक और लड़की जो बैठी हुई है मनीषा रानी,
ये लोग वो इंसान है ना जो आम जिंदगी से हैं, उन्होंने अपना कुछ ऐसा टैलेंट दिखाया जिसकी वजह से रोज उसको लोग देखने के लिए आते हैं और जितने उनके सब्सक्राइबर हैं उनसे भी ज्यादा उनको भाई व्यूज मिलते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं या फिर किसी पूजा भट्ट के भाई हैं, ये उस वजह से आते हैं क्योंकि लोग उनसे सच में प्यार करते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं और इसी वजह से जो है उनके फैंस को आर्मी बुलाई जाती है। यूट्यूब की दुनिया को आप किसी सेलिब्रिटी के साथ में मैच कर रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, बोल सकते हो कि इनके अंदर में अभी जो है वो अहंकार आई है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हाई लेवल पे आई है। जैसे कि बात बात पे अभिषेक कहता है कि अंडे की बारिश हेलीकॉप्टर से करवाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो किस हद तक बुरे तरह से सामने में लाया जा रहा है और उसकी जो इमेज है कितनी बुरे तरह से सामने लाया जा रहा है कि भाई ये देखो तुम्हारा बेटा ये करता है। मुझे ये बताओ कि जब कोई सेलिब्रिटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ करता है या किसी के साथ कोई झगड़ा होता है तो क्या उस फुटेज को उस सेलिब्रिटी के माँ या बाप को दिखाया जाता है किसी how they are behaving in behind of you? क्या बताते हो वैसे कि सेलिब्रिटी देखो तुम्हारा बेटा जो है बंद कमरे में जो है कास्टिंग काउच का गेम खेल रहा होता है, या फिर तुम्हारा बेटा किसी फार्म हाउस में जाकर के 3 महीने का एक तरह का मतलब योजना बांट रहा होता है किसी चीज के फेवर में? ऐसा तो नहीं करते ना, आप पर्सनल क्यों हो गए? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सलमान खान बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए कि ये साला है कौन जो 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा और बात बात पे यूं बोलता रहता है। 60 के एज में भाई खुद बैठे हो लेकिन अभी 26 और 30 के लौंडे को बता रहे हो कि 60 साल की उम्र में क्या होगा। Imagine, जब आप 30 के थे तो उस वक्त में क्या क्या गुल खिलाए थे, क्या क्या कांड किए थे, और वो जाने दो बुढ़ापे में ही अगर आफ्टर 50s की भी बात की जाए तो आपने कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई थी। तो आपको अकल आने में 50 पार करना पड़ता है लेकिन आज के जनरेशन को 30 के अंदर में ही वो अकल आ जानी चाहिए। इट वॉज जस्ट लाइक डैट कि बाप कुछ सुना रहा है बेटा इस कान से निकाल के उड़ा दे रहे, लेकिन इतनी तो डिग्निटी रखा भाई साहब ने कि उन्होंने सुनकर के लिया, रोया और उस चीज़ को बहुत ही दिल से लगा लिया। और बाद में आप गेम खेल जाते हो कि सुनो जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई गई है, एडिटेड दिखाई गई है। उसकी माँ को भाई उसी जगह पे गुस्सा आ गया था, वो बंदा कह रहा है कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, उसकी माँ भड़क चुकी है देख के, वो समझ चुका है। कैसे कर सकते हो यार, एक मेकर्स मतलब इतना ज़्यादा गिर सकता है? हाउ? मैं हर साल सोचता हूँ कि चलो एक साल हो चुका है, ये साल में नहीं होगा, लेकिन बिग बॉस इस कमी को पूरा करना कभी भी नहीं भूलते हैं कि बिग बॉस बायस्ड हैं। जब भी उनके क्रिएटिव टीम को ऐसा लगता है कि उनको किसको जिताना है, किसको पीछे रखना है, वो अपना काम बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरह से करते हैं। जैसे कि पूजा भट्ट और जिया शंकर को देख के ऐसा लग रहा है और पूरी हवा भी चल रही है कि दे आर गोइंग टू विन दिस शो, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे। मतलब अगर पूजा भट्ट किसी चीज के बारे में बात करती है तो उस जगह पे आता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों बदलूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, व्हाई शुड आई हैव टू चेंज फॉर यू। लेकिन उसी जगह पे बच्चों को उनके हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्यों रिश्ते में अम्मा लगती है, चाची बुआ या क्या लगती है बॉस? हाउ यू कैन एक्सपेक्ट समबडी जिसको कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है, 45 दिन या 60 दिन के लिए आए हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस जनरेशन दे शुड रिस्पेक्ट यू? सीरियसली, वो बंदे ने जो भी चीज़ें कही ना कि भाई तुम्हारे पोस्ट पे क्या आते हैं, तुम्हारा पोस्ट की ऐसी की तैसी, जाने दो, मैं कह रहा हूँ 90s के टाइम पे तुम्हारे मैगजीन पे जो छपा हुआ आया था, उस वक्त में कोई सोशल मीडिया नहीं थी। मेरा ये सवाल है, वो लोग कौन थे? कोई सोशल मीडिया से थे? कोई जन जी थे या कोई मतलब बिगड़े लोग थे? भाई आप परवरिश की बात कर रहे हो, आपकी परवरिश की फुटेज को सामने नहीं रखा गया है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके परवरिश के ऊपर में बार बार सवाल उठाया जाता है, उनसे ये सवाल किया जाता है कि ये तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये। अरे भाई मैं सच बता रहा हूँ, क्लास बहुत अच्छा लेता है लेकिन आज मेरा मूड बन गया कि भाई इसका क्लास ले डालूँ। सो, जितने भी भाई सलमान खान के फैंस है, सलमान खान ने खुली धमकी दी भी है और एक्सपेक्ट भी किया कि उसको धमकी मिलेगी भी। जब ये पूरा कांड शुरू होने वाला था उससे पहले ही सलमान खान ने कह दिया कि इट मे बी पॉसिबल कि इस एपिसोड के बाद में बहुत सारे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, व्यूवरशिप चली जाएगी, लोग शायद बिग बॉस को ट्रोल करें, मुझे भी ट्रोल करें, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इन द एंड ऑफ दैट सेक्शन उसने कहा कि एक चीज़ याद रखना, उन सभी फैंस में से कुछ फैन तो मेरे भी होंगे। डैट्स मीन कि इनडायरेक्टली वो जो यूट्यूबर लोग में चलते हैं ना, बॉस जा करके कमेंट में भर दो गालियों से, या फिर जैसे आज का ट्रेंड है, देखो बॉस जितना भी था जो भी था वो बस इस वीडियो में खत्म हो जानी चाहिए, कोई उसके अकाउंट पे जा करके उसके वहां पे डीएम पे जा करके गाली नहीं देगा। इट वॉज इनडायरेक्टली पोकिंग के आप जाकर के ये करो। पता है ना वो संदीप माहेश्वरी जो चीज नहीं वाला का कोई पिक्चर नहीं है, होता है का पिक्चर है, तो भाई साहब ने वो चीज खेल दिया सलमान खान ने कि मेरी भी फैंस है और समझ सकते हो। सो दिस टाइम बिग बॉस अगेन गोज सो डर्टी और
आप अपना टेक बताओ, आप कितने ज़्यादा इस चीज़ से मतलब हिल चुके हो, और अगर ऐसा है कि सलमान खान इज़ राइट, पूजा भट्ट शुड बी विनर ऑफ द बिग बॉस OTT 2, और अगर आपको लगता है जिया शंकर वॉज राइट के हाँ वो सही बोल रही थी, जस्ट बताओ आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में। तो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस एपिसोड एंड दैट वॉज माई ऑब्जर्वेशन व्हाट्स योर टेक। मेकर्स के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हो कहो, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।